हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत, बायोलॉजी लेक्चरर। स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो स्टूडेंट्स, आपकी लगातार डिमांड आ रही थी कि हिंदी का जो रिवाइज सिलेबस है वह अपने चैनल पर डालिए। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी अनिवार्य का जो रिवाइज सिलेबस है, जो परीक्षा 2021 के लिए जो बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया गया, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो हटाए गए जो पार्ट हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं कि बोर्ड के द्वारा कौन से पार्ट हटाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, पुस्तक का नाम अपन कहते हैं व्याकरण, जो खंड 2 है उसके अंदर यहाँ पर क्या की गई है, चेंजिंग की गई है। अब वो क्या चेंजिंग है ये देखिए। देखिए कि व्यवहारिक व्याकरण एवं जो रचना है उसमें कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। पद परिचय हटा दिया गया है, शब्द शक्ति को हटाया गया है, और जो अलंकार है जिसमें रूपक, उपेक्षा, उदाहरण तथा विरोधाभास, इन्हें हटाया गया, और साथ में पत्र व प्रारूप लेखन, ज्ञापन, अधिसूचना, ये टॉपिक्स भी हटाए जा चुके हैं हिंदी के अंदर। तो इनका ध्यान रखना है। फिर अपने देखिए कि इनको हटाने के पश्चात अपने को हिंदी में पढ़ना क्या है, वो बातें अपने को ध्यान रखनी है। जैसे 100 नंबर का पूर्णांक होगा तो इसमें देखिए अपठित जो बोध है अपने, अपठित बोध 8 नंबर का है। व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना 16 नंबर, पाठ्य पुस्तक सृजन प्रथम पुस्तक जो है 32 नंबर, और पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाद द्वितीय पुस्तक ये 12 नंबर की होगी, और संवाद सेतु 12 नंबर के हैं। अब इसमें जो खंड फर्स्ट है ना स्टूडेंट्स, वह देखिए कि खंड जो फर्स्ट है इसमें अपठित बोध जो 8 नंबर का दे रखा है ना, इसमें 4 नंबर का तो क्या होगा, अपठित गद्यांश होगा, और एक 4 नंबर का कौन सा होगा, अपठित गद्यांश, दो अपठित गद्यांश से पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के। फिर आगे अपन बात करते हैं, देखो खंड 2 जिसमें व्यवहारिक व्याकरण और रचना दे रखा है, तो इसमें देखिए ये 16 नंबर का होगा। इसमें भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय ये 2 नंबर का है। फिर पद परिचय जो होगा वह 2 नंबर का होगा। शब्द शक्ति जो है वह भी 2 नंबर की है। अलंकार, अनुप्रास, श्लेष्म, श्लेष, यमक और उपमा ये 2 नंबर के। पारिभाषिक शब्दावली 2 नंबर है। पत्र व प्ररूप लेखन, अर्धशासकीय पत्र, निविदा और विज्ञप्ति संबंधित ये 2 नंबर के होंगे, और निबंध लेखन विकल्प सहित बात करें तो 4 नंबर का है। इसके बाद में खंड 3 की अपन बात करते हैं जो 32 नंबर का है, उसमें पाठ्य पुस्तक जो है अपनी वह सृजन प्रथम पुस्तक है 32 नंबर की। इसमें एक व्याख्या गद्य से आएगी, विकल्प सहित ये 4 नंबर की होगी। फिर एक व्याख्या पद्य से पूछी जाएगी विकल्प सहित, वो भी 4 नंबर की। फिर 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न गद्य भाग से और एक प्रश्न पद्य भाग से पूछा जाएगा, विकल्प होगा इनके अंदर, दोनों 4-4 नंबर के होंगे तो 8 नंबर का योग हो जाएगा। फिर 4 लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 2 गद्य भाग से और 2 पद्य भाग से, तो ये 2-2 नंबर के आएंगे, तो 4×2 ये 8 नंबर के हो जाएंगे। फिर किसी एक कवि या लेखक का परिचय जरूर से पूछा जाएगा 4 नंबर का, और 2 अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, एक गद्य भाग से और एक पद्य भाग से, ये भी 4 नंबर के होंगे। तो टोटल 32 नंबर का अपन मानेंगे पाठ्य पुस्तक सृजन है। फिर खंड 4 की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इसमें पाठ्य पुस्तक है पीयूष प्रवाह यानी द्वितीय पुस्तक 12 अंक की है। इसमें फर्स्ट तो एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा विकल्प सहित जो 6 अंक का आएगा। फिर 4 लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न करने होंगे और वो 2-2 नंबर के होंगे, इसलिए 6 नंबर के ये हो जाएंगे। फिर खंड 5 जो है पाठ्य पुस्तक संवाद सेतु के बारे में चर्चा करते हैं जो 12 अंक की है। इसमें फर्स्ट समाचार लेखन एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। फिर विविध प्रकार के लेखन जिसमें फीचर, संपादकीय, संपादक के नाम पत्र, प्रतिक्रिया लेखन का एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। फिर साक्षात्कार लेने की कला एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। और वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, डायरी लेखन की कला एक प्रश्न आएगा, वो कितने नंबर का आएगा, 3 अंक का यहाँ पर अपन कहेंगे वह प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये यहाँ पर हिंदी का जो सिलेबस था
एक छोटा सा सिलेबस अपन कहते हैं, और ज़्यादा इसमें कोई विशेष चेंजिंग नहीं की गई है। दोबारा आप लोग इसे देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक हटाया गया है। खंड जो दो है यानी कि व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना, उन्हीं से अपन मानते हैं कि टॉपिक हटाए गए हैं। जैसे पद परिचय वाला जो टॉपिक है वह अब अपने को नहीं पढ़ना है, उसे हटा दिया गया है। सेकंड जो शब्द शक्ति वाला है वो अपने को नहीं पढ़ना है, उसे हटा दिया गया है। अलंकार जो है जिसमें रूपक है, उपेक्षा है, उदाहरण है, विरोधाभास है, उन्हें भी अपने को नहीं पढ़ना है। अब पत्र व प्रारूप लेखन जिसमें ज्ञापन और अधिसूचना से संबंधित, वो भी हटा दिए गए हैं। तो मुख्य रूप से हम कहेंगे कि यह जो टॉपिक है यह अब अपने को हिंदी के अंदर नहीं पढ़ने हैं, इन्हें अपने को छोड़ते हुए कार्य करना है। फिर जो संशोधित पाठ्यक्रम है इसमें अब अपने को पता है कि प्रश्न पत्र के लिए 80 अंक होंगे और 20 17 अंक यानी होगा टोटल, ये भी 100 का। अब 100 में देखो डिसाइड, अभी पहले भी बताया था मैंने कि अपठित जो होगा 8 नंबर का, व्यवहारिक होगा 16 का, पाठ्य पुस्तक सृजन 32 की होगी, पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह द्वितीय ये 12 नंबर का, और संवाद सेतु भी 12 नंबर की। इनमें मैंने आपको प्रत्येक चीज़ बता दी कि कौन सी किस प्रकार से पूछी जाएगी, तो आप इन्हें देख सकते हो आराम से। अगर चलते वीडियो में समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक कर भी आप इन्हें देख सकते हो, नोट कर सकते हो। हिंदी का मैंने इसलिए डाउनलोड किया अपलोड ताकि कई स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, सर आपने एग्रीकल्चर का कर दिया और इसके साथ में जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का अपलोड कर चुका हूँ, बायोलॉजी का कर चुका हूँ, बायोलॉजी साइंस बायोलॉजी और एग्रीकल्चर बायोलॉजी दोनों के अपलोड कर दिए चैनल पर। इसके साथ जो 10th साइंस का है वह भी अपने चैनल पर उपलब्ध है। इन सब की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जितने भी जो रिवाइज सिलेबस हैं बोर्ड के द्वारा सबकी एक प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से आपको सब कुछ सूचना मिल जाएगी। अब देखिए पाठ्य पुस्तक सृजन है, इससे 32 नंबर के आएंगे। पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह इससे 12 नंबर का आएगा। पाठ्य पुस्तक संवाद सेतु जो है इससे 12 अंक का ज़रूर से पूछा जाएगा। तो ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी आपकी दिक्कत आती है किसी प्रकार की, तो आप बेझिझक मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को आपको क्या करना है दोस्तों, खुद को देखना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स आपसे जुड़े हुए उनके पास वीडियो को शेयर करना है, ताकि उन्हें भी पता चल सके हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ, जिसमें एक अलग सब्जेक्ट के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।